Om Shanti. अभी आप सभी ने शरीर को कैसे फिट रखना है उसका चार्ट तो जाना, लेकिन हम सभी डॉक्टर्स यहाँ आए हैं अपने मन को तंदुरुस्त करने के लिए। तो शरीर को भोजन खिला करके हम फिट रखते हैं, लेकिन वास्तव में जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है उसका भोजन है शुद्ध सकारात्मक विचार। तो आज हम जब मेडिटेशन करेंगे तो लेट्स अंडरस्टैंड इन वेरी बेसिक लैंग्वेज व्हाट इज़ मेडिटेशन। यहाँ आए और मेडिटेशन नहीं समझा या नहीं करना आया तो वो बात तो ठीक नहीं है, हाँ या नहीं? यस। तो कौन कौन मेडिटेशन सीखना चाहेगा? वंडरफुल। एंड आई कैन डेफिनेटली कन्फर्म कि आज हम एक बहुत सुंदर जर्नी पर चलेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दिस। हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे और सबसे पहला मैं जो आपको संकल्प दूंगी, जस्ट गो विद द फ्लो। क्या, क्यों, किस लिए, कुछ नहीं, सिर्फ आराम से उसको एंजॉय करेंगे। तो हम सभी यहीं बैठे हैं और सामने देख रहे हैं। और आप लोग जहाँ से भी आए हैं, मैं आपको एक संकल्प देती हूँ कि जहाँ से भी आए हैं और जैसे भी आए हैं, आराम से उठ जाइए और धीरे धीरे जैसे भी आप लोग आए हैं अपने घर की ओर निकल पड़िए। चाहे ट्रेन से आए हैं, चाहे बसेस से आए हैं, चाहे फ्लाइट से आए हैं, आराम से अपने घर की ओर निकल चलिए। सामने आपका घर दिखाई दे रहा है और घर का दरवाज़ा। घर के दरवाजे पर जाकर बेल बजाइए और घर में जो भी व्यक्ति है वो द्वार खोलता है और आपसे पूछता है कि बड़ी जल्दी आ गए, आप लोग को तो कल आना था। और उस व्यक्ति को बताइए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या आपका अनुभव था। आराम से अपने घर में एंटर करिए। वो जो सबसे कंफर्टेबल सोफ़ा या चेयर है जहाँ आपको बैठ के बहुत आनंद आता है उस पर बैठ जाइए। वो घर में जो व्यक्ति है वो आपसे कहता है कुछ ठंडा पियोगे या कुछ चाय कॉफ़ी लोगे, तो जो भी पसंद है, चाय पसंद है तो मंगवा लीजिए उसे और धीरे धीरे उसे सिप करिए, उसका स्वाद लीजिए। जब चाय आपकी ख़त्म हो जाए तो अपनी सीट से उठिए, फिर से जैसे गए थे वैसे आकर के यहाँ बैठ जाइए। जो जो आ चुके हैं वो अपना हाथ खड़ा करते जाएं। इसका मतलब इतने सारे लोग अपने घर गए थे, गए थे, उस व्यक्ति को देखा था, चाय कॉफ़ी पी थी, स्वाद आया था। This was 100% meditation. So clap for yourself. You all know how to meditate. तो जब आप यहाँ बैठे बैठे वो घर जो यहाँ नहीं है वहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो,
चाहे वो अगरतला हो, वो व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसको देख सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी जो यहाँ नहीं है उसका स्वाद ले सकते हैं, वो चेयर जो यहाँ नहीं थी उस चेयर की फील अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे भगवान के प्यार का अनुभव नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। सो मेडिटेशन एक बहुत सुंदर यात्रा है, पर तकलीफ ये है कि हम स्वयं को नहीं जानते, ना स्वयं को जानते हैं और ना जिससे योग लगाना है अर्थात परमात्मा उसको जानते हैं, उसको भी नहीं जानते हैं। तो जिससे योग लगाना है उसको भी नहीं जानते, तो उससे शक्ति तो दूर की बात है ना, कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि किसको याद करें। अगर मुझे कहा जाए कि मैं आपके घर जाऊं तो मैं जा पाऊंगी? नहीं जा सकती। दैट्स एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो आज जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो सबसे पहले अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाएंगे कि ये शरीर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, विच कीप्स चेंजिंग। आज फीमेल है, कल मेल थी या होगी नहीं पता, बट इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसके अंदर जो एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है वो इटर्नल और इमॉर्टल है, वो चेंज नहीं होती। तो उस एनर्जी को याद करना है, उस सुप्रीम एनर्जी को। आप पूछेंगे क्यों याद करना है? क्योंकि उस सुप्रीम एनर्जी से मुझे वो हर चीज़ मिलती है जिंदगी में जिसकी मुझे आश है। किस चीज़ की आश है? सुख चाहिए, शांति चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता, शुद्धि चाहिए रिलेशंस में, यही चाहिए ना। तो आज आइए एक बहुत सुंदर सुखद यात्रा पर चलते हैं और अपने आप को बहुत रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। कैन वी हैव सम म्यूजिक भैया? ओम शांति। एक शुद्ध संकल्प, आज मैं आत्मा स्वयं को देती हूं। कि वाह रे मेरा भाग्य, जिस परमात्मा को जिंदगी में ढूंढती थी, भगवान अल्लाह गॉड, न जाने किन किन नामों से हमने उसे बुलाया था, कितने सहज में वो हमें आज आके मिल गया है। और उसने मुझे भी कितना सहज में मेरा सच्चा परिचय दे दिया। कि इस शरीर के द्वारा देखने वाली, इस शरीर के द्वारा बोलने वाली, इस शरीर के द्वारा महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता आत्मा हूं। अ शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, द स्टार विद इन। दिस बॉडी इज जस्ट माई कॉस्ट्यूम। Which I have received to play my role in this world drama. पर मैं एक चमकता हुआ सितारा,
जो इस प्रकृति के बीच में विराजमान हो, इन आंखों के द्वारा देखती हूं, इस मुख के द्वारा बोलती हूं, मेरा पिता परमात्मा वो भी मेरी न्यायी एक चमकता हुआ सितारा है। कितना प्यारा रिलेशन है मेरा उस सितारे के साथ। हजारों सूर्यों से भी तेजोमय मेरा पिता प्यार का सागर है। आज मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा मेरा भी स्वरूप प्यार से भरपूर है। धीरे धीरे महसूस करिए कि भगवान की प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और उस प्यार के सागर में मैं आत्मा समाती जा रही हूं। प्यार की स्वरूपा मैं, वो प्यार की वाइब्रेशंस सब तरफ एमिट कर रही हूं। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। उसकी शांति से भरपूर किरणें मेरे अंतर मन को शांत कर रही हैं। फील द पीस ऑल अराउंड यू। पीसफुल सोल, शांति मेरा स्वधर्म है। आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस। कि मुझ आत्मा का स्वधर्म है। भगवान, इस जन्म में भी तुमने हमें डॉक्टर बनाया, जिसको लोग नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। तो आज मैं आत्मा प्रण करती हूं कि आज से मैं आपका बच्चा डबल डॉक्टर, डबल डॉक्टर बन के जो भी मेरे समक्ष आएंगे उनको प्यार, कंपैशन, शांति का सबसे पहले दान
मैं आपका बच्चा ये दूंगा। मैंने आज समझ लिया है कि जिस चीज की मैं मांगनी करता था वो सब मैं हूं। जरूरत है तो बस इस अंदर के हीरे को तराशने की। इस पे जो धूल चढ़ गई है उस धूल को हटाने की। कुछ देर इसी स्थिति में स्थित होकर अनुभव करिए भगवान के प्यार का, उसका प्यार भरा हाथ आपके सिर पर है और उस हाथ में से किरणें निकल रही हैं। प्यार की, शांति की, और जाने दीजिए इन किरणों को अंदर, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ चुकी थी आज उसको यहीं अलविदा कर दीजिए। वो परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसकी सबसे श्रेष्ठ संतान हूं। आज कह दीजिए अपने मन को कि मुझसे सुंदर, मुझसे अद्भुत भगवान की श्रेष्ठ रचना कोई और हो नहीं सकती। से और अभी से इसी श्रेष्ठ स्मृति में हम रहेंगे और हम जिससे भी मिलेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, उसको हमारे नैन चैन चेहरे से यह अनुभव होगा। जो हमें मिला है वो हमें औरों को देना है। ओम शांति शांति शांति।